हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में बनाए गए आज तक के सबसे बड़े हिंदू टेंपल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं श्रीरंगम टेंपल की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में हम जानेंगे इसके लेकर कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल या फिर कहे तो तिरुवरंगम टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो रंगनाथा मतलब विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। ये टेम्पल कावेरी और कोलिदम नदी के बीच में श्रीरंगपटना आइलैंड पर बनी है, जिसका एरिया 155 एकड़ जितना है। इस मंदिर के स्थापना के ऊपर कई सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस कहानी है जिसमें कहा जाता है ब्रह्मा जी समुद्र मंथन के वक्त तपस्या कर रहे थे, जिसके फल अनुसार श्रीरंगम विमानम की प्राप्ति हुई। तब से वो सदियों तक ब्रह्मलोक में रही, जिसके बाद उसे राजा इसवा को अयोध्या ले आए। राम भगवान के रावण को मारने बाद उन्होंने इसे रावण के भाई विभीषण को दे दिया। जब राजा विभीषण अयोध्या से श्रीलंका जा रहे थे, रास्ते में श्रीरंगम विमानम वहां से उठ ही नहीं पा रहा था, तब उन्होंने वहां के स्थानीय राजा धर्म वर्मा को उसे सौंप दिया और शर्त रखा विमानम का फेस साउथ के तरफ हमेशा के लिए होना चाहिए, जिससे ब्लेसिंग हमेशा उन पर और लंका पर बनी रहे। इस कारण श्रीरंगम विमानम का फेस साउथ की तरफ है और उनकी बॉडी ईस्ट वेस्ट में है। अब जानते हैं श्रीरंगम टेम्पल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। पहला, पूरे टेम्पल में 7 बाउंड्रीज लेयर्स हैं। हर एक में चारों तरफ वॉल्स और गोपुरम्स हैं, जिन्हें 16th सेंचुरी में बनाया गया था। दूसरा, बाहरी दो बाउंड्रीज में रहने के लिए घर और मार्केट्स हैं और बाकी 5 अंदर के बाउंड्रीज में विष्णु भगवान और उनके दूसरे अवतारों के मंदिर हैं। तीसरा, पूरे टेम्पल में टोटल 21 गोपुरम जो अंदर जाने के लिए एंट्री गेट्स होते हैं, 39 मंडप, 50 मंदिर और 9 पवित्र पानी के तालाब भी हैं। श्रीरंगम टेम्पल नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सिस में बना हुआ है। चौथा, 21 गोपुरम में से राजा गोपुरम सबसे बड़ा है, जिसमें 13 लेवल्स हैं, जो 400 साल से अधूरा बना हुआ था। 1987 में इसे कंप्लीट किया गया, जिसके बाद इसकी ऊंचाई 73 मीटर इतनी हो गई। पांचवा, श्रीरंगपटना एक आइलैंड है जिसे पहले श्रीरंगपुरी बुलाया जाता था। श्रीरंगम टेम्पल का सबसे अंदर का भाग 817 AD लगभग 2800 साल पहले बनाया गया था। छठा, वैकुंठ एकादशी यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जिसे दिसंबर और जनवरी के महीने में 21 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें लगभग 10 लाख तक लोग आते हैं। सातवा, श्रीरंगम टेम्पल में टोटल बाउंड्रीज का लेंथ 9934 मीटर इतना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग के रिलेटेड फैक्ट्स और उनके पीछे के स्टोरीज जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।